फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल मैं गई थी मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, तो मैं लेके आई हूँ वहाँ से H&M से कुछ शॉपिंग करी। ज़ारा भी गई थी, बट ज़ारा में इतनी भीड़ थी फ्रेंड्स कि नंबर नहीं आ रहा था। चेंजिंग रूम में आपको बस खड़े ही रहना था। मैं 45 मिनट्स में H&M में खड़े होने के बाद जब मैंने एक क्लोथ लिया है, एक जैकेट ली है, इतनी लंबी लाइन थी कल पूछे वक्त। चलिए बातें तो करते रहेंगे वीडियो में। मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। पहले मैं बहुत प्रीटी सी ड्रेस लाई हूँ, ये पूरी वेलवेट की है, देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं गई थी, फ्राइडे सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे कुछ भी सेल नहीं थी। मैंने ये फ्रेश में लिया है, मुझे एक भी 10% का भी दिखाऊंगा। और मैंने क्या लिया है चरण से, एक मैंने ये ली है जैकेट, पफी वाली जैकेट, ये मुझे बहुत स्मार्ट लगी। ये भी मैंने फ्रेश में ली है, उस भी कोई सेल नहीं थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने टाई भी नहीं तोड़ा है, तो ये तो मैंने ट्राई भी नहीं की थी, बस ऐसे ही ऊपर से जैकेट तो डाली थी मैंने, तो एक ये ली है। मैंने फॉर एवर 21 से भी लिया है, मुझे वहाँ पे डिस्काउंट मिला है 30% का, 30% डिस्काउंट चल रहा है फॉर एवर 21। ये आर्टिकल है ऐसे, ठीक है, प्रीटी सा। मुझे ना इसके ब्लेसर्स क्या बोलते हैं इनको, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये बैक पे आएंगे पूरे ऐसे सीज़, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, एक मैंने ले लिया। ये मुझे 30% ऑफ में मिला था सेल में, फॉर एवर में डिस्काउंट है वहाँ पर है, एक मैंने ये लिया। बिल्कुल लूज सी स्वेट शर्ट ली है मैंने। एक्चुअली मैं आपको इसकी वीडियो दिखाई नहीं पाई क्योंकि चेंजिंग रूम में इतना टाइम था, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, देखते कि साइज आ ही जाएंगे। ड्रेस में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इसलिए उसे मैंने पहनी थी। एक ये ली, प्लेन ब्लैक है, बट मुझे ये स्मार्ट लगे, ओवर साइज। आजकल मुझे कुछ ओवर साइज पहनने के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे दिखे। तो बस मैंने यही शॉपिंग करी कल, तो इतना क्राउड था फ्रेंड्स, पता नहीं संडे में ऐसा क्या हो गया। मैं लास्ट टाइम लाजपत गई थी तब भी इतना क्राउड था, आज मैं मॉल गई तो भी इतना क्राउड था, इतना क्राउड, इतनी भीड़ रहने लगी है पूछिए मत। मतलब मैं 40 मिनट्स सिर्फ वेट कर रही हूँ, मैं 40 to 45 मिनट्स की मुझे ट्रायल रूम फ्री मिले और मैं ट्राई करूँ। मैं इतनी थक चुकी थी तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था। और ज़ारा में तो भाई इतनी लंबी लाइन थी, शायद 2 घंटे भी मैं खड़ी रहती ना तो मेरा नंबर नहीं आता, इसलिए मैंने ज़ारा से तो कुछ देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी वीकडेज़ में जब कुछ देखूँगी। वैसे ज़ारा में मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छी मिली थी, मतलब मिली नहीं थी, मतलब मुझे दिखी थी बहुत अच्छी थी, मैंने ली नहीं थी, बहुत प्यारी सी ड्रेस थी, छोटी सी स्कर्ट भी थी, मिनी स्कर्ट एक मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मेरे ब्लॉग में देखना, आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो आपको मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताना। बट फ्रेंड, सेल सिर्फ नाम की सेल थी, जो H&M में सेल है ऐसा नहीं है H&M में बिल्कुल सेल नहीं है। H&M में सेल है कुछ कुछ चीज़ों पर, बहुत कम चीज़ों पर, जो मतलब क्या सेल में साइजेस है एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर डबल एक्सल, जो हम लोगों के साइज़ के है ही नहीं। मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ तो आपको ढूंढे से भी नहीं मिलना है। और हाँ फ्रेंड, मैं एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गई, ये भी मैंने वहीं से लिए हैं इयर रिंग प्रीटी से। ये इयर रिंग मैंने लिए थे 400 के, यस मैं आपको उल्टे दिखा रही हूँ, बहुत प्रीटी लगे तो मैंने ले लिए। और मैंने एक ब्रेसलेट और लिया है जो आपको अच्छा लगे तो पहले आप कर, इतने प्यारे स्टार्स हैं इसमें, देखिए हार्ट स्टार्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने कितने का लिया था, ये मैंने 600 का लिया है, ये मैं 600 का ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा छोटू सा। सो फ्रेंड्स आज का मेरा शॉपिंग हॉल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बहुत फॉलो करें, और आप शेयर करें मेरी वीडियोस जो और भी आपके फ्रेंड्स लोग देख सकें। प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आगे भी आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें और बहुत सारा प्यार भेजते रहें।